दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो और इसके बेनिफिट क्या है, उसके चार्जेस क्या है, तो सारे चीज़ बताऊंगा। तो आज हम लोग एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड देखने जा रहे हैं, जिसमें कि अपने को सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलने वाला है वो मैं बताऊँगा। उसके बाद बताऊँगा कि इसमें चार्जेस कितना है, फिर आपको बताऊंगा कि इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखने आ दोस्तों, ताकि आप समझ सको हर चीज़ को। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो एक्सिस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, एक्सिस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों तो आप बेनिफिट देख लेते हैं, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिखा देखो, गेट ऑफ 40% ऑफ फूड डिलीवरी जोमेटो विथ नियो क्रेडिट कार्ड। अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो फूड ऑर्डर, तो आपको 40% का डिस्काउंट है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो अगर कभी भी फ्री डिलीवरी का ऑफ़र रहा तो वो रेस्टोरेंट नॉट एलिजिबल है। अगर कभी बोलता है कि कोई रेस्टोरेंट रहते फ्री डिलीवरी देते हैं, तो वो इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल नहीं है, देख लेना इसमें लिखा है साफ साफ। और आपको ये कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा एक्सिस नियो करके। मैक्सिमम डिस्काउंट कैपेट 120 रुपये पर ऑर्डर। अगर आप कभी भी जो कैशबैक का बोलते हैं डिस्काउंट देते हैं, तो कम से कम आपको हर मंथ में 120 रुपये तक ही आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 रुपये कर लिया तो आपको 40% 400 रिफंड आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि मैक्सिमम 120 रुपये पर ऑर्डर आपको मिल सकता है, ठीक है। ऑर्डर अप्लीकेबल ऑन मिनिमम स्पेंड 200 रुपये। तो इन्होंने लिखा है देखो, 200 रुपये तक, 200 रुपये कम से कम 200 रुपये तक का आपको परचेस करना पड़ेगा या ऑर्डर करना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। अब ऑर्डर कितने का कर रहे हैं उसके ऊपर मायने रखता है कि 40% आपको कैसे दिया जाएगा। और दोस्तों इसको ये लिखा है, कस्टमर कैन अवेल द डिस्काउंट अप टू 20, मतलब ये महीने में 2 बार किया जा सकता है। तो आप सोच लीजिए महीने में कितनी बार आप करते हैं, तो कितनी बार करने पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 2 बार करोगे तो 2 ही बार ही अप्लीकेबल होगा। उसके बाद दोस्तों उसको बता दूं कि अगर आप 30 दिन के अंदर, अगर आप ये कार्ड 30 दिन के अंदर, कार्ड मिलते ही 30 दिन के अंदर आप कुछ भी स्पेंड करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले। तो सबसे पहले इसमें बड़ा बेनिफिट है कि गेट अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर है, 250 का आपको तुरंत वाउचर गिफ्ट मिल जाएगा। जोमेटो पर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। फिर ग्रोफर बोले तो जहाँ एक ग्रोफर एक ऐप्स है जिसमें कि आप ग्रोसरी जाके सब शॉपिंग कर सकते हो, तो इसमें 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। 1MG का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। और लेकिन कब मिलेगा ये सारे 4 बेनिफिट, जब आप फर्स्ट स्पेंड विथ यूर एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड विद इन 13 डेज, मतलब 13 जैसे ही आपको इशू हुआ 30 दिन के अंदर आपको कर लेना, तब जाके ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। और जो एलिजिबल होगा उसको बार को, मतलब कोड आएगा, उसको डाल के एक्टिवेट करें। देखिए लिखा है, एलिजिबल कस्टमर विल बी रिसीव द वाउचर कोड वाया SMS रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद इन 45 डे टू 60 फर्स्ट स्पेंड, मतलब आप जब फर्स्ट स्पेंड करोगे तो आपको वो SMS के थ्रू आ जाएगा, तब आप एक्टिव कर सकते हो ये सारे बेनिफिट्स। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस पर रिचार्ज पे क्या बेनिफिट है। 5% कैशबैक इन्होंने बोला है, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज डन थ्रू पेटीएम। तो आपको बता दूं कि सारे क्रेडिट कार्ड, HDFC हो गया या अदर बैंक भी हो गया, तो सारे बैंक का रिचार्ज DTH पे दे ही रहे हैं। और मैक्सिमम कैशबैक इज़ कैप्ड 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ दोस्तों कैप्ड है, मतलब महीने में आप 150 रुपये तक ही कैशबैक पा सकते हो, चाहे कुछ भी एनीथिंग कर लो। ये नहीं कि आप 10,000 का मार रहे तो उसमें आपको 5% का डिस्काउंट आ रहेगा, मतलब 5% तक 500 रुपये तक आप कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनमें कैपिंग है, 150 रुपये तक ही आपको मिलेगा, और 150 से कम भी मिल सकता है, और इसका टर्म कंडीशन कुछ है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो अभी हम लोग देखेंगे कि 10% ग्रोफर ऑफ, अब जैसे मैंने बताया था कि ग्रोफर्स ऐप है, उसे अगर आप बुकिंग करते हो तो ग्रोसरी बुक करते हो तो आपको कितने तक ख़रीदना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 750 रुपये तक का परचेस करना पड़ेगा, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% एवरी टाइम
टाइम यू शॉप एट मिंत्रा ऑन मिनिमम परचेस वैल्यू 500। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि मिंत्रा ऐप से अगर आप 500 रुपये तक का या 500 से ऊपर करते तो ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें बुक माई शो का, अगर बुक माई शो से, ये नहीं सिर्फ बुक माई शो से ही बुकिंग करोगे तब जाके आपको डिस्काउंट मिलना है। अगर ये नहीं सोचोगे कि आप मूवी टिकट बुक कर लोगे तो आपको कहीं से भी, तो कहीं से भी नहीं आपको करना, बुक माई शो से करेंगे तो ही बेनिफिट है दोस्तों। तो ध्यान रखिए शॉपिंग पे, ग्रोसरी पे और मूवी टिकट पे, ये सारे उनके प्लेटफॉर्म से ही बुक करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पेटीएम से रिचार्ज करोगे तो ही आपको 150 रुपये तक का कैशबैक आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि पेटीएम से करना तो ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। नहीं तो क्रेडिट कार्ड ले लिया उसके बाद आपको नहीं आ रहा तो बैंक को ब्लेम करेंगे आप लोग। तो बैंक ने सारे टर्म कंडीशन आपको बता दिए अपने वेबसाइट पर। उसके बाद दोस्तों उसके चार्जेस नहीं है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है 250 प्लस GST है। अभी इन्होंने 250 लिखा है, ठीक है 250 लिखा है, लेकिन GST मेंशन नहीं किया है दोस्तों। तो 250 रुपये चार्ज है प्लस GST, मतलब 18% GST कितना हो जाता है, 18% 295 हो जाता है, मतलब अब 300 अलग तो हो जाता है, 300 रुपये में 5 रुपये कम है। और दोस्तों आप जब कार्ड लेंगे तो आपको 250 रुपये चार्ज लग जाएंगे, वो आपको 30 डेज़ के अंदर के बिल में आ जाएंगे। और एनुअल फ़ी मतलब जो हर साल आपको 250 रुपये भरने ही पड़ेंगे, समझ गए, आपको हर साल जैसे ही एक साल होएगा आप 250 रुपये आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दो कि अगर कभी भी आपका कार्ड डैमेज होता है या कुछ रिप्लेसमेंट हो जाता है तो आपको 100 रुपये चार्ज लेकर आपको दे दिया जाएगा कार्ड। कैश फी पेमेंट क्या होता है कि अगर समझ लीजिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो, समझ लीजिए आपका बिल हो गया 10,000 या 25,000 का, ठीक है, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो फ्री है दोस्तों, लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करते हो बैंक में जाके तो वहाँ पे आपको 100 रुपये प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। ओके GST नहीं लगी लगेगा तो पता नहीं, लेकिन 100 रुपये कम से कम तो देना ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद देखो फाइनेंस चार्ज, दोस्तों का फाइनेंस चार्ज ये होता है कि समझ लीजिए कि अगर आप कहीं रिटेल परचेस, मतलब कि समझ लीजिए कि आप नॉर्मल शॉप से परचेस कर रहे हो या फिर अदर जहाँ से ऑफ़र नहीं है फिर भी वहाँ से कर रहे हो, छोटे मोटे दुकान से कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ईयरली आपको 3.4% पर मंथ आपको चार्जेस लगेंगे। तो ध्यान रखिए जहाँ ऑफ़र रहेगा वहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं वरना फाइनेंस चार्ज लगेगा। फाइनेंस चार्ज आपको साल या 6 महीने में भी लगता है। और आपको बता दूँ कि कैश विड्रॉल फ़ी, समझ लीजिए कि अगर आप 1,000 रुपये निकालते हो अपने बैंक से तो आपको 2.5% का 500 रुपये कम से कम चार्ज लग जाएगा, करंट तुरंत लग जाएगा, चाहे आप 1,000 निकालो चाहे 5,000 निकालो, ऐसा इसमें लिखा है। देखो मिनिमम 500 रुपये तो लगने ही है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। अभी कैसे ले रहा है वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कम से कम आप 500 रुपये लग जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और समझ लीजिए कि इन्होंने जैसे ये बता रहे हैं कि अगर आप 300 रुपये नो नील इफ़ टोटल पेमेंट ड्यू, अगर आपका इसमें आपको ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके कितना समझ लीजिए आपको 10,000 बिल आया तो आपको कितना फ़ाइन लगेगा अगर टाइम टू टाइम नहीं भरा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है देखो कि अगर आपने 10,000 रुपये नहीं भरे, समझ लीजिए आपका बिल है 10,000 रुपये के ऊपर, तो आपको 750 रुपये का फ़ाइन लगेगा। अगर आपका जो बिल है 25,000 से 50,000 के बीच में तो आपको 1,000 फ़ाइन लग जाएगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपका कोई भी बिल हो तो 45 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। आपका बिल होता है 30 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है, 15 से 20 दिन आपको मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, 15 दिन ही मायने हैं, 15 दिन के अंदर कर दीजिए पेमेंट, नहीं तो आपको पेमेंट पड़ जाएंगे आपको भरने के लिए लेट पेमेंट। तो आप लेट पेमेंट आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे लगना है, बाकी आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल फॉर आपको बता दिया है यहाँ पे कि अगर आपका बिल जो रहेगा 50,000 तक रहेगा तो आपको 1,000 पड़ने ही पड़ने, लेकिन 1,000 से ज़्यादा ही गिरते हैं, ये लिखा है इन्होंने 1,000 इफ़ टोटल पेमेंट ड्यू इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो 50,000 का मुझे नहीं लग रहा है कि 1,000, 1,000 से ज़्यादा ही लगता है, और 25,000 से 50,000 के बीच में तो 1,000 का लेट पेमेंट है। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं बताया गया, ध्यान में रखिए लेट पेमेंट लगा रहा है, मतलब कि समझ लीजिए कि आप अगर आपने 45 डेज़ हो गए आपको ड्यू डेट आ गया आपके, तो 45 डेज़ में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको लेट पेमेंट चार्ज लगेगा, ना कि इंटरेस्ट लगेगा।
इंटरेस्ट भी लगेगा लेकिन इंटरेस्ट के चार्ज नहीं बताए गए इसमें। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊँ कि ओवर लिमिट पेनल्टी, ओवर लिमिट पेनल्टी ये होता है कि दोस्तों समझ लीजिए कि आपने आपका लगभग आपको लिमिट मिला है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख में से आपने 90,000 रुपये विड्रॉ कर लिए या स्पेंड कर लिया। अगर आप 90 to 95% यूटिलाइज करने जाते हो तो आपको वहाँ पे कम से कम 2.5 का चार्ज लग जाएगा और कम से कम 500 रुपये का चार्ज है, तो 500 रुपये चार्ज लगना ही है दोस्तों। तो कभी भी ध्यान रखना कि आपको ओवर लिमिट मत खरीद, मतलब अगर 1 लाख का लिमिट मिला है तो आप उसे 30% ही यूज़ करो, पूरा मत यूज करो। चेक रिटर्न और डिस और इसमें बताया गया दोस्तों चेक रिटर्न, अगर आपका चेक रिटर्न होता है तो 450 रुपये आपको लगने ही लगने हैं और 2% ऑफ अमाउंट, और 2% ऑफ अमाउंट सब्जेक्ट, आपको मिनिमम 450 रुपये गिरने ही गिरने और चेक बैंक बाउंस पेनल्टी और जो लेट पेमेंट फ़ी है वो भी पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी, तो इस पर भी फॉरेन करेंसी तो किसको, मतलब नॉर्मल इंडिया के लोग तो उनको 3.5 का ट्रांजेक्शन वैल्यू लगना ऐसा बता रहे, लेकिन फॉरेन में ही शायद में है। उसके बाद दोस्तों GST एज अ पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नॉर्म्स, अगर GST रिलेटेड जो भी रहेगा उसके हिसाब से बदलते रहेगा, ठीक है, मतलब चार्जेस आपके GST पे, समझ लीजिए कि आपका आज 18% कल 20% GST हो जाता है या उससे कम हो जाता है 15%, तो उसके हिसाब से आपके चार्जेस भी कम होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी चार्जेस अगर गिर रहे हैं उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से GST तो आता ही आता है उस पर, तो दोस्तों GST लगना ही लगना है, तो आप संभाल के यूज़ कीजिए क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद दोस्तों अभी एलिजिबल कौन है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए, तो एलिजिबल है दोस्तों जो जिसकी जो कोई मतलब बैंक में काम करता है या फिर उसकी सैलरी आती है, तो जो भी कोई बंदा 30-24 एज का है तो वो ले सकता है। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, पैन कार्ड, फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी, लेटर्स, पे स्लिप, मतलब अगर पेमेंट रहेगा तो ही हो पाएगा, मतलब कि वो सैलरी स्लिप रहती है तभी हो पाएगा। फॉर्म 16, IT रिटर्न कॉपी एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, तो आपको दो चीज़ देने पड़ेंगे, या तो सैलरी स्लिप या तो इनकम प्रूफ। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि पासपोर्ट, रेसिडेंस एड्रेस के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल, ये कुछ भी चलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आइडेंटिफिकेशन में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चल जाएगा, नो इशू। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब यही था कि इसमें आपको चार्ज क्या लगने हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं और फिर क्या ऑफ़र आपको मिलता है, किस प्लेटफॉर्म से करना चाहिए, तो यही सारे बेनिफिट आपको बताएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट कब होता है और आपको भरना कैसे, किस तरीके से भरना है, तो सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों।